भाजपा के युवा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता चतर सिंह रसोया ने भाजपा द्वारा समाज उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सूची आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से मांगी। आइए और जानकारी लेते हैं चतर सिंह रसोया से। वहाँ एक सूचना अधिनियम के तहत कुछ हमने सवाल पूछे हैं माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से, उसके आवेदन दाखिल किया है। क्या है उस आवेदन के अंदर? आवेदन के अंदर कुछ सवाल है हमारे। 21 जून 2018 को हमारी पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने दिल्ली के दलित समाज के लोगों की बैठक ली थी, उसमें मैं भी उपस्थित था और उन्होंने निर्देश दिए थे कि भाई दलित समाज को आप भारत सरकार की उपलब्धियां, जो बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल केंद्र बनाया, बहुत सारे काम जो किए हैं, लोगों को ऋण देने का काम, बेरोजगार लोगों को, बेघर लोगों को मकान देने का काम। तो जब मैं समाज में जाता हूँ तो लोग आंकड़े पूछते हैं, प्रमाणित आंकड़े, तो प्रमाणित आंकड़े सरकार से और प्रधानमंत्री कार्यालय से अच्छे कहीं नहीं मिल सकते। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये झूठे आंकड़े हैं। तो हमने आज आवेदन किया आरटीआई एक्ट में उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारी दलित समाज की महिलाओं को व्यवस्था दी है, और जो बेघर लोग हैं दिल्ली के, उनको कितने लोगों को मकान दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, कितने हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए मुद्रा ऋण दिया गया, तो एक प्रमाणित प्रति मिल जाए समाज को समझाने के लिए और ये तय करने के लिए कि भाई ये हमारे ओरिजिनल आंकड़े हैं। तो उसके लिए आज मैंने आवेदन दाखिल किया है प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो आपको क्या लगता है कितने दिन में जवाब मिल जाएगा आपको प्रधानमंत्री कार्यालय से? प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब जल्दी मिल जाता है, पहले भी हमने काफ़ी एक्सरसाइज की है, उसके अंदर बहुत अच्छा काम होता है, और पहले भी 60 साल से कांग्रेस की सरकार रही, प्रधानमंत्री कार्यालय में हम आवेदन करते थे, कोई रिप्लाई नहीं आती थी, लेकिन हम प्रधानमंत्री कार्यालय से रिप्लाई नहीं आती बल्कि संतुष्टि, संतोषजनक जवाब आते हैं, उससे संतुष्टि होती है। जवाब आने के बाद वो चीज़ को आप समाज में लेके जाओगे? समाज में लेके जाएंगे, समाज को बताएंगे कि हमारी सरकार ने ये सब काम किए हैं। जो आरटीआई आपने लगाई है, इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ी है? ये समाज में जब मैं जाता हूँ बताता हूँ कि भाई मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, तो वो प्रमाणित आंकड़े मांगते हैं, तो उस आंकड़ों को, प्रमाणित आंकड़ों को समाज में दिखाने के लिए, और कोई ये ना कहे कि ये लोग भी कांग्रेस के जैसे ही लोग हैं, तो एक प्रमाणित आंकड़ों को लेने के लिए आज आवेदन दाखिल किया है। आज हमने 5 चीज़ों के आंकड़े मांगे हैं जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, ये सारे मामले हैं। तो सर ये दिल्ली के लिए मांगे हैं आपने कि ऑल ओवर इंडिया के आंकड़े मांगे हैं? हमने तो दिल्ली के लिए मांगे क्योंकि मैं दिल्ली में सोशल वर्क ज़्यादा करता हूँ, वैसे मैं अपनी समाज का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, पर निवास मैं दिल्ली में करता हूँ, आना जाना ज़्यादा दिल्ली में रहता है, तो मैंने दिल्ली से संबंधित आंकड़े मांगे।